मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़ी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है, उसका महत्व पार्वती खंड के अंतर्गत शिव महापुराण में कहा गया कि माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि इस एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है। पार्वती जी ने जब पूछा तो शिव जी ने कहा, देवराज ब्राह्मण की कथा लोटा जल चढ़ाने का फल बताती है कि देवराज ब्राह्मण चोर था, चोरी करता था, धन चुरा कर लाता था, गलत कर्म में लगा रहता था, कभी उसने जीवन में अच्छा काम नहीं करा। पर शंकर जी के मंदिर में मरते समय, मरने से पहले शिव जी के मंदिर में पहुंचा, शंकर जी के मंदिर में जाने के बाद शिव जी के मंदिर से बाहर निकला, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए। शिव महापुराण की कथा कहती है तो पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, जब देवराज चोर था, गलत काम करता था, बेईमानी करता था, प्रपंच करता था, छल करता था, बेकार काम करता था, तो देवराज शिव मंदिर कैसे पहुंच गए। व्यक्ति अच्छा काम करता है तभी तो शिव महापुराण में पहुंचता है, जो बेकार काम करेगा तो शिव पुराण तक कैसे जाएगा, शिव मंदिर तक कैसे जाएगा। बेकार काम करने वाले को तो भगवान वैसे ही रोक देता है कि तू अच्छी जगह जाए मत। फिर वो अच्छी जगह कैसे पहुंच गया। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती देवराज ब्राह्मण की जो माँ थी उसका नियम था एक लोटा जल प्रतिदिन जो भी शंकर का मंदिर घर के पास था वहां जाकर चढ़ाती थी। उस जल का प्रताप ये रहा कि मरने से पहले चोर बेटा भी शंकर के मंदिर पहुंच गया और प्राण छूटने के बाद शिव के धाम चला गया। ये लोटा भर जाता सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो, एक लोटा जल। ऑफिस जाओ तो चढ़ा कर जाओ, दुकान जाओ तो चढ़ा कर जाओ, घर से जाओ तो एक लोटा जल चढ़ा कर जाओ। घर का एक एक बच्चा अगर एक लोटा जल चढ़ाता है तो उसके ऊपर शिव शिव को एक बहुत सरल भाषा में इस कथा को और अच्छे से ले लो। किसी की शादी में तुम जाओ और तुम जाओ, रोटी खाओ चाहे मत खाओ, पानी पियो चाहे मत पियो, पर जिसने बुलाया है तुम उससे मिलकर आओगे कि नहीं आओगे। अरे बोलो जम के, मिलोगे ना कि भाई हम भले खाना नहीं खाए, टाइम नहीं, हमारे पास समय नहीं है, अब शादी में आए तो हो, पर एक काम तो करोगे ना। क्या? जिसने बुलाया है, जिसके घर शादी है, उससे आमना सामना तो करके आओगे, मिलके तो आओगे, उसको मुंडा दिखा के तो आओगे। क्यों मुंह दिखा कर आओगे कि उसको लग जाए हम आए थे। उसी तरह तुम पंचाक्षर मंत्र बोलो मत बोलो, तुम षडाक्षर मंत्र बोलो मत बोलो, तुम नमः शिवाय बोलो मत बोलो, तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो मत बोलो, तुम कथा सुनो मत सुनो, पर एक काम करना, जैसे शादी में तुम खाना खाओ चाहे मत खाओ, पानी पियो चाहे मत पियो, पर जिसने बुलाया है उससे मिलकर जरूर आते हो, उसको मुंह दिखाकर जरूर आते हो। उसी तरह प्रतिदिन नियम बना लो कि मुझे शंकर जी के मंदिर में अपना मुंह दिखाने के लिए जाना है, जिससे उसके पास जाऊं तो पहचान जाए कि ये रोज आता था, मेरा है, अपना है, उसको पहचान बन जाए, उसकी पहचान करना। एक चाय देने वाला भी रोज ऑफिस में आता है ना, तो ऑफिस के लोग चाय वाले को पहचान जाते हैं, क्यों रे कालू आ गया, हाँ सर दो चाय दो कट ले। फिर अगर चार छह दिन तक कालू आया और एक दिन नहीं आया तो लोग दूसरा व्यक्ति आ गया, चाय का ऑर्डर दिया और वो दूसरा आया, क्यों रे चाय तूने दूसरे से मंगवा ली, क्या नहीं वहीं से मंगवाई, तो कालू क्यों नहीं आया, कालू क्यों नहीं आया, क्या पता उससे पूछा क्यों रे आज चाय लेके कालू क्यों नहीं आया, सर उसकी तबीयत खराब है, अच्छा इसलिए नहीं आया। फिर सर को चिंता लगी, देखना उसको अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता देना, हो दवाई मवाई चाहिए तो मैं दूं, बैग में से निकाल के ऑफिस में ही रखी हुई है, बोले तो दे दूं, तबीयत खराब हो तो। क्यों आया नहीं तो चिंता उस व्यक्ति को ऑफिस में लग गई कि वो चाय देने क्यों नहीं आया। जब एक व्यक्ति रोज आता है चाय देने के लिए नहीं आया तो ऑफिस वालों को चिंता लग गई, बेचारा कितना अच्छा था, क्या हो गया उसको। उसी तरह तुम रोज रोज मंदिर जाते रहोगे, शिव के द्वार जाते रहोगे, शंकर की चौखड़ पर जाते रहोगे, और अगर एक दिन
तुम्हारा दिल दुख गया, हृदय दुख गया, तुम शिव के द्वार नहीं गए, तो उसको चिंता हो जाएगी आज कमला भाई आई क्यों नहीं, कारण क्या है, क्या हुआ जो वो पहुंची नहीं, क्या कारण हुआ जो वो पहुंचा नहीं है, कारण क्या है आप